हेलो व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बिगनर्स फॉर पाइथन। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कोर्स आउटलाइन की, जो कि हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको हमने जो है वो इंटेलिजेंस गेटवे की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन की बात करने से पहले मैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग की बात कर लूंगा। प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसके जरिए से हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकें वाया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत तरह की होती है, जिसमें जो है हमारे पास जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, सी सी प्लस प्लस, कॉटलिन। इस तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसी को क्यों चुना जाए? वाई वी चूज पाइथन? तो पाइथन को चुनने की हमारी वजह यह है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड और फास्ट लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड और फास्ट होने के साथ साथ इसकी जो है वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, क्योंकि दुनिया जो है वो एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट हो रही है, ब्लॉकचेन की तरफ शिफ्ट हो रही है। इन सब को परफॉर्म, इन फंक्शंस को, यानी इन जो है वो चीजों को परफॉर्म करने के लिए, चाहे एआई अप्लाई करनी हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे हमारे पास जो है वो आईओटी हो, आईओटी बेस्ड भी अच्छे से काम करती है पाइथन। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन की। फिर हिस्ट्री ऑफ पाइथन हमारे पास आ जाती है कि पाइथन कब बनी, पाइथन का फाउंडर कौन था और पाइथन किसने क्रिएट की। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन जो है वो एक बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके अंदर जो है वो वैन रॉसन ने जो है वो वुडो वैन रॉसन ने इसको डेवलप किया 1970 में, और ये जो है वो अब 2022 तक जो है वो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारे पास। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ आईडीई। आईडीई हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहां पे हम अपना कोड लिखेंगे, यानी हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो प्रोग्राम लिखेंगे हम एनाकोंडा नेविगेटर पे। इस कोर्स के अंदर एनाकोंडा नेविगेटर को चूज करने की वजह यह है कि उसका ऑल्टरनेटिव, यानी कि उससे सिमिलर जो आईडीई है वो गूगल हमें प्रोवाइड करता है, जिसका नाम गूगल कोलैब रखा गया है। सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होगा, कि हम अपनी स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिंट करवाएं, अपनी स्टेटमेंट को किस तरह से स्क्रीन पे शो करवाएं। फिर हमारे पास कमेंट आ जाते हैं। कमेंट्स एक प्रोग्रामिंग की गुड प्रैक्टिस है, इसके जरिए से हम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर हम कहेंगे, बात करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, वेरिएबल कौन कौन से पाइथन में लीगल हैं, कौन से इलीगल हैं, मतलब किन नेम से हम वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं और किन नेम से वेरिएबल्स को नहीं डिनोट कर सकते। डेटा टाइप्स की बात करते हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास मेजरली तो बहुत तरह के होते हैं, पर जो है वो वैसे तो बहुत तरह के होते हैं। लिस्ट भी हमारे पास एक डेटा टाइप है, डिक्शनरी भी। पर हम जनरल डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन आते हैं। फिर हम देखते हैं टाइप कास्टिंग की तरफ। टाइप कास्टिंग हमारे पास क्या होती है? टाइप कास्टिंग ये कहलाती है कि किसी भी जो है वो उसको हम चेंज करते हैं उसकी टाइप को, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास स्ट्रिंग है, यानी कि कोई इंटीजर है तो उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दें, कोई जो है हमारे पास इंटीजर है तो हम उसको फ्लोट में चेंज कर दें, इसकी टाइप चेंज करने को टाइप कास्टिंग कहलाई जाती है। ऑपरेटर्स हमारे पास आ जाते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम, जिसके जरिए से हम वेरिएबल को स्टोर करवा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इक्वल टू के साथ हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन के, यानी मैथ्स ऑपरेटर्स जो हमारे पास आएंगे, जिनसे हम बहुत फेमिलर होते हैं, जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर एक्सेट्रा। अनफेमिलर ऑपरेटर्स, मॉडुलस का ऑपरेटर, प्लस, इक्वल टू ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या हमारे पास रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यूज को। यूजर से इनपुट लेने का तरीका पाइथन में किस तरह है, हम इसको फिर देखेंगे कि यूजर से हम किस तरह से इनपुट ले सकते हैं पाइथन के अंदर। और यूजर से इनपुट लेने का, ये इनपुट के नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पाइथन ने जनरेट किया हुआ है, जिसके जरिए से हम जो है वो यूजर को इनपुट, यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसको स्टोर करवा सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन की बात करते हैं। कॉन्कैटिनेशन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स टुगेदर कॉन्कैटिनेशन कहलाती है।
कॉन्कैटिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लस मेथड है हमारे पास जिसमें हम जो है वो स्ट्रिंग्स को जो है वो ऐड करवा लेते हैं। एक कॉमा का मेथड है और एक प्लेस होल्डर मेथड है। अब हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग की। कंडीशनल प्रोग्रामिंग हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ, एल्स और नेस्टेड इफ। इफ जस्ट लाइक एल्स इफ अदर लैंग्वेजेस में कहा जाता है, पाइथन में इसको इलिफ कहा जाता है, बाकी सब अदर लैंग्वेजेस से फेमिलर है। अब बात करते हैं हम लिस्ट की। लिस्ट हमारे पास क्या होती है? लिस्ट हमारे पास जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक चेंजेबल और ऑर्डर्ड फॉर्म में हमारे पास एक टाइप होती है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और डेटा को स्टोर करने के लिए हम जो है वो उसमें जो है वो एरे से बहुत ज्यादा ये फेमिलियर होती है। इसको इंडेक्सिंग के जरिए से देखते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि डेटा को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, पॉप किया जा सकता है, सॉर्ट किया जा सकता है, या उसकी अलग अलग हिस्सों में तोड़कर स्लाइसिंग की जा सकती है, या लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं टपल्स की। टपल्स हमारे पास क्या होते हैं? टपल्स हमारे पास एक अनम्यूटेबल जो है वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हम अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते। और हमारी जो चीज है उसको हम एक्सेस किस तरह से करेंगे, हम टपल के अंदर देखेंगे कि टपल को किस तरह से एक्सेस करेंगे। टपल को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम डिनोट करते हैं। और जब टपल की बात आती है तो टपल के अंदर दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ वो होता है, एक हमारे पास काउंट का मेथड और एक इंडेक्स का मेथड। अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो हम अपडेट करने के लिए उसको एक लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम टपल को जो है वो फिर से दोबारा से टपल की फॉर्म में ले जाएंगे और लिस्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उसके अंदर अपेंड भी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग की। रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है? रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग जो है वो कोई भी चीज को आइट्रेट करवाना, यानी कि सीक्वेंस में उसको रिपीटेशन कराना, यानी कि लूप। अब लूप हमारे पास फॉर लूप्स होते हैं पाइथन के अंदर, नेस्टेड फॉर होता है। लूप के अंदर हम इस कोर्स के अंदर ये भी देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट लगाई जाए या कंटिन्यू लगाई जाए तो जो है हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से ये परफॉर्म करेगी। चेंजिंग केस की अगर बात की जाए तो चेंजिंग केस हमारे पास जो है वो बेसिकली हम अपने स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो अगर हम यूजर से इनपुट लें, फॉर एग्जांपल कि यूजर से हमने इनपुट ले लिया, अगर हमारा जो है वो यूजर कैपिटल में ले रहा है और हमने कंडीशन स्मॉल में लगाई हुई है तो हम चेंज केस में जो है वो इसको डॉट लोअर के फंक्शन के जरिए से हम इसका केस यानी कि इसके स्ट्रिंग को हम चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्शनरीज की। डिक्शनरीज एक अनऑर्डर कलेक्शन होती है डेटा वैल्यूज की जिसके अंदर की और वैल्यूज के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। की और वैल्यू को मिलाकर हम जो जब दोनों की बात करेंगे तो उसको एलिमेंट कहेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे डेटा को किस तरह से ऐड किया जा सकता है, डेटा को किस तरह से यानी कि जो हमारी की और वैल्यूज हैं उनको कीज के जरिए से जो है वो एक नई लिस्ट के अंदर जो है वो हम की और वैल्यू भी डाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हम, और फिर रिमूव किस तरह कर सकते हैं एलिमेंट को। फिर आइट्रेशन आ जाती है, यानी अगर हम डिक्शनरीज के अंदर लूप लगाएंगे तो हम अपनी सारी की सारी कीज को भी देख सकते हैं, वैल्यूज को भी देख सकते हैं, और की और वैल्यू को मिलाकर यानी पूरे के पूरे आइटम को भी देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हमारे पास एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज हों वो लिस्ट ही होगी, पर हम उसके अंदर एज अ डिक्शनरी स्टोर कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी डिक्शनरीज के अंदर एक लिस्ट कहा जाए तो। डिक्शनरीज ऑफ डिक्शनरीज हमारे पास टॉपिक है। एक लिस्ट के अंदर यानी कि डिक्शनरी के अंदर भी लिस्ट बनाई जा सकती है, डिक्शनरी के अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज ही बनाई जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप भी एक लूप है, सिमिलर है फॉर लूप से, और इसके अंदर बस फर्क ये होता है कि हमारे पास अलाउ करता है कि हम अपने व्हाइल लूप को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूजर। इसमें हम फ्लैग को सेट कर लेते हैं और फ्लैग की मदद से हम यानी कि हम अपने यूजर को कह सकते हैं कि कभी भी चाहे तो यूजर हमारे उसको हमारे लूप को रोक सकता है। तो ये जो है वो एक अलग तरह का लूप होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? फंक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं? फंक्शन हमारे पास फंक्शन किस तरह कॉल किया जाता है? फंक्शन के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स क्या होते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? अननोन अननोन वैल्यू, अननोन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? लूप हमारे पास क्या होता है? फंक्शन के अंदर लूप लगा
अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शन एक ऐसा वे होता है जिसके जरिए से हम जो है अपने कोड को फंक्शन के अंदर रख के फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। फंक्शन और मेथड में कोई फर्क नहीं होता। फंक्शन के अंदर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड आसान हो जाता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। हम देखेंगे फंक्शन को किस तरह कॉल करेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड के अंदर आर्गुमेंट्स पास किस तरह किए जाते हैं, पैरामीटर किस तरह पास किए जाते हैं, आर्गुमेंट किस तरह से लिया जाता है। अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो तब हम क्या करेंगे, अगर लूप लगाया जाए फंक्शन के अंदर तो क्या किया जाएगा, और कंडीशंस लगाई जाए इफ एल्स की तब फंक्शन किस तरह परफॉर्म करेगा। अगर हमने फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करवाना है तो रिटर्न किस तरह से करवाएंगे, यानी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम लूप से किस तरह से यानी फंक्शन से बाहर निकालेंगे, एज अ वेरिएबल हम इसको कैसे स्टोर करवाएंगे। और रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास क्या होता है? रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है, यानी उस फंक्शन के अंदर ही उस फंक्शन को कॉल करके हम उसको बार बार रिपीट करवाते हैं। ये हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। ये थे हमारे पास कुछ फंक्शंस। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच घूमती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक कोड को राइट करने का तरीका है जिसके अंदर हमारे पास क्लासेस होती हैं। क्लास हमारे पास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट हो सकती है, एक टेम्पलेट हो सकता है, एक मॉडल हो सकता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं हमारे पास, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर। एट्रीब्यूट हमारे पास जो है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और बिहेवियर हमारे पास या तो फंक्शन या मेथड होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका इंस्टेंट कहलाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उस क्लास की अक्कासी कर रहा होता है कि इस क्लास में ये चीजें हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को कॉल करवा के, एट्रीब्यूट पास करवा के हम ऑब्जेक्ट के जरिए से क्लास का इंस्टेंट बना लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसको हम जो है वो ऊप के कॉन्सेप्ट्स कहते हैं या पिलर्स ऑफ ऊप कहा जाता है, जिसमें इनहेरिटेंस होता है, यानी कि एक क्लास को दूसरी क्लास से मिला लेना हमारे पास इनहेरिटेंस कहलाता है। और फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को कहा जाता है इन एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास जो है वो किसी भी चीज को जो है वो हम जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स में लिखें, यानी कि सिंगल एक्शन को डिफरेंट वेज में परफॉर्म करें तो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग जो है बाय डिफॉल्ट पाइथन सपोर्ट नहीं करती। अब हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन हमारे पास बेसिकली जो है वो एक सिक्योरिटी फीचर होता है जिसके जरिए से हम जो है वो अपने डेटा को एक सिंगल यूनिट में सिक्योर करते हैं, यानी कि एक सिंगल क्लास में हम सिक्योर करते हैं और उसको एक्सेस मॉडिफायर लगा के प्राइवेट कर लेते हैं। ये थे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट स्कूप के। अब हम देखते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी कि आप कोई भी क्लास इंपोर्ट करवा सकते हैं पाइथन के अंदर, आप चाहें तो अपनी खुद की एक क्लास भी बना सकते हैं। ये थे हमारे पास कुछ मॉड्यूलस। हमने इसकी भी प्रैक्टिस की है अपने कोर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं डेटा फाइल्स की। डेटा फाइल्स कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हम अपने जो है वो डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, जो कि TXT हो सकती है। हमने कोर्स के अंदर देखा है कि TXT की फाइल को किस तरह से इंपोर्ट करवाएंगे, इसके अंदर डेटा को किस तरह से रीड करवाएंगे, राइट करवाएंगे और अपेंड कराएंगे डेटा को। CSV फाइल्स हमारे पास कॉमा सेपरेटेड फाइल्स कहलाती हैं, जिसके अंदर जिसको बिल्कुल इस तरह से होती हैं, ये एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। लाइक एक्सेल की एक शीट को कहा जा सकता है, या डेटाबेस कहा जा सकता है इसको, ये CSV कहलाती हैं। अब CSV के अंदर फाइल को किस तरह से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अपेंड कर सकते हैं, और इसकी हमने बहुत जबरदस्त किस्म की एग्जांपल्स भी अपने कोर्स के अंदर देखी हैं। फिर हम कहते हैं जेसन फाइल्स। जेसन फाइल क्या होती हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन कहलाती है। जेसन फाइल्स के अंदर डेटा को किस तरह से डंप किया जाता है, किस तरह से लोड किया जाता है। डंप का मतलब राइट करना और लोड का मतलब रीड करना। इसके अंदर हम ज्यादातर डिक्शनरीज की फॉर्म में डेटा को देखते हैं, पर हम चाहें तो लिस्ट की फॉर्म में भी हम इसको स्टोर करवा सकते हैं। नॉट बट द लीस्ट हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या कहलाती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास डेटा को हम जो है वो रन टाइम एरर्स को मैनेज करने के लिए, कि अगर कोई बंदा कोई भी चीज जीरो से डिवाइड कर दे तो हम कहते हैं कि अनफाइनाइट है वो वैल्यू, मगर इनफाइनाइट वैल्यू को हम किस तरह से देखेंगे, हम इनफाइनाइट वैल्यू को किस तरह से सॉल्व करेंगे अगर कोई बंदा जीरो से किसी चीज को डिवाइड कर दे तो जीरो
डिवीजन एरर आ जाता है हमारे पास। इस एरर को डील करने के लिए हम दो ब्लॉक्स को यूज करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक को। इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड की जाती है जिसको कहते हैं फाइनली। फाइनली ये होता है कि कुछ भी, चाहे ट्राई और कैच का ब्लॉक जो है वो चले या ना चले, या एरर जनरेट हो या ना हो, फाइनली चलेगा ही चलेगा। ये थी हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये हमारी टोटल कोर्स आउटलाइन थी। आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और इसके जो है वो जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। ये एक जस्ट ओवरव्यू था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।